एक्चुअली में अभी सुबह हम 10:30 बजे जब हम कार्यालय आए तो हमारे प्रतिनिधि ने और हमारे कार्यालय के जो स्टाफ हैं जो टाइप करते हैं उन्होंने एक पत्र बताया हमको कि इस तरीके से एक पत्र आया हुआ है और उस पत्र में लिखा है कि संगमलाल गुप्ता विधायक प्रतापगढ़ 3 करोड़ रुपया 10 दिन के अंदर दे देना, नाम और पता हम बता देंगे और अगर नहीं दिए तो हम जान से मार देंगे, कितना भी सुरक्षा में रहोगे। क्या वजह हो सकती है, इससे पहले भी आपको धमकी मिली है क्या? इसके पहले भी धमकियां मिली हैं। वजह क्या, जनहित के मुद्दे पे बोलना बात करना यही सब बहुत सारी समस्याएं प्रतापगढ़ को आप जान ही रहे हैं, हमारा व्यवसाय भी बॉम्बे में है। आपने अब जनहित में जनता ने हमको चुना है तो न्याय, तो हम न्याय के लिए तो हमको आवाज उठाना ही पड़ेगा। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से सदन जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुरक्षित हैं तो आम आवाम का क्या होगा? क्या सरकार में विधायक भी सुरक्षित नहीं? नहीं, सरकार विधायक सुरक्षित, जिस तरीके के मामले अभी जांच चल रही है, जांच में पता लगेगा इस तरीके से जो पत्र आए हुए हैं। क्या बम्बई से भी जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि रंगदारी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्या वहां से भी तार जुड़ सकते हैं? अब व्यवसाय है हमारा, अभी तो जांच में पता चलेगा। आपने कभी किसी तहरीर दी है? नहीं, अभी तो तहरीर हम देंगे। ठीक, सर विधायक से धमकी भरा खतर मिला है, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है? प्रतापगढ़ के सदर विधायक है संगमलाल गुप्ता जी, इनके कार्यालय में आज सुबह जब डाक वगैरह कलेक्ट करके खोली गई तो उसमें एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिस चिट्ठी के अंदर उनसे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और कहा 10 दिन में अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर उनके ऊपर वो जानलेवा हमला होगा, उनको मारा जाएगा। तो इस संबंध में हमने अपनी जो विशेष टीमें हैं स्वाट टीम और सर्विलांस टीम, इनको भेजा है वहाँ पर, मौके पर काफ़ी छानबीन कराई गई, हम स्वयं भी गए वहाँ पर। तो अभी इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करके हम लोग और आगे विवेचना कर रहे हैं और जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की भी है उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।